वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर इस पीसी बिल्ड। सो गाइस, आज हम देखेंगे कैसे मैंने इस पीसी को इस पीसी में कन्वर्ट करा। और आज हमारा 70th इंडिपेंडेंस डे, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो गाइस स्टार्टिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पीसी था मैंने जब पहली बार निकाला, तो मैं आपको पहले इस पीसी की हिस्ट्री बता देता हूँ। सो गाइस, जो पीसी है मेरा पुराना पीसी है, एंड गाइस इसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता था, तो ये गैराज में पड़ा हुआ था। कि इस पीसी को हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर इंटरेस्टिंग करना चाहिए। सो गाइस, मैंने इसको उठाया, ऊपर लेके आया। सो गाइस, देखा कि ये तो बिल्कुल ही ज्यादा बकवास हो रखा है, कुछ भी इसके अंदर लाइक करने की हमारे को। एंड गाइस, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इसके अंदर जितनी भी डस्ट थी सारी की सारी वाइप आउट करी, जितना भी इसके अंदर एयर ब्लो करी ताकि जितनी भी डस्ट थी सारी निकल जाए। फिर मैंने इसको वाइप आउट करा अच्छे से ताकि जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है एंड ऑल दैट थे सब कुछ खत्म हो जाए। उसके बाद गाइस बारी थी हमारी इसको डिसअसेंबल करने की। सो गाइस, मैंने डिसअसेंबल करना स्टार्ट करा, सबसे पहले हार्ड ड्राइव निकाली, देन गाइस इसके अंदर पावर सप्लाई निकाली, मैंने ऑल द कनेक्शन निकाले, देन गाइस मैंने इसकी जो रैम थी वो निकाली, ग्राफिक्स कार्ड निकाला, देन गाइस लास्ट पार्ट मैंने इसका मदरबोर्ड निकाला। एंड गाइस, अगर मैं बात करूँ पीसी स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 500 GB की हार्ड ड्राइव, देन 8 GB की किंगस्टन हाइपर एक्स रैम। इसके अंदर गाइस GT710 ग्राफिक्स कार्ड है, एंड गाइस उसके बाद एसरॉक का H110 मदरबोर्ड है, एंड पावर सप्लाई इज अराउंड 300 watts गाइस, आई गेस या 300 watts की पावर सप्लाई है इसके अंदर। सो गाइस, ये है पीसी की स्पेसिफिकेशन। और अगर मैं बात करूँ अब इसकी डिसअसेंबली की, जैसे आपको बताया डिसअसेंबल कर दिया था। एंड गाइस, अब बात थी पूरी की पूरी, जितना भी लाइक पीसी था, जो ये वाला पैनल था इसको भी निकाला, बिकॉज गाइस आप देख सकते हैं ये वाला जो पैनल था पहले इधर लगा हुआ था, तो ये पैनल बिल्कुल भी ना। सो गाइस, वी वांटेड अ कूलर लुक ऑन दिस पीसी, सो हमने क्या करा, सारे के सारे पैनल सब निकाल दिए, साइड का निकाला, इधर का निकाला, आगे का निकाला, पीछे के आयो शील्ड वायर शील्ड सब बाहर निकाल दिया, बिल्कुल खाली कर दिया केस को। फिर दोबारा से गाइस इसको वॉश आउट करा अच्छे से, जितना भी लाइक इसमें डस्ट थी गंद था सब कुछ हमने निकाला बाहर। एंड उसके बाद हमारी बारी थी इसमें पेंट करने की। यस गाइस, क्योंकि पेंट करना इज मस्ट, सो दैट यू कैन सी दैट गाइस पहले ये जो था सिल्वर कलर था अंदर से। सो गाइस, हमारे को इसको करना था ब्लैक पेंट, और गाइस जो मैंने पेंट इसमें चूज करा वो था मैट ब्लैक, बिकॉज गाइस मैं चाहता था कि जितने भी हमारे एलईडी का कलर है वो ये जो मैट ब्लैक है डिजॉल्व कर ले, तो जो कलर्स हैं एलईडी के वो इतने प्रोमिनेंट लगे और आपके आंखों में चुभे ना। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो मैट ब्लैक कलर है और वो बिल्कुल सही कर रहा है अपने काम के अंदर। एंड गाइस, आप जो देख सकते हैं इसमें, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि जितने भी कलर्स हैं वो सब चेंज हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैट ब्लैक कलर है वो डिजॉल्व कर ले रहा है कलर, तो इतने प्रोमिनेंट नहीं लग रहे हैं वो। मैंने इसके अंदर 2 coats मारा, उसका जो फिनिश थी हमारे को देख लो यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड गाइस, अब बारी थी हमारे को हार्डवेयर कंपोनेंट्स को पेंट करने की। यस गाइस, मैं चाहता था कि अंदर जितना भी हो सब कुछ पूरा ब्लैक आउट हो सिवाय रैम के, मैं चाहता रैम जो है ब्लू ही में रहे। सो गाइस, मैंने इसके अंदर हार्ड ड्राइव थी उसे ब्लैक आउट पेंट करा लाइक स्प्रे पेंट ही, एंड देन गाइस जो पावर सप्लाई थी उसे भी हमने एक ब्लैक आउट स्प्रे पेंट करा, जिससे आप देख सकते हैं पूरा जो अंदर इनर पार्ट है इस टाइम पीसी का ब्लैक आउट लग रहा है और बहुत कूलर लुक दे रहा है ये, और एलिगेंट भी है। सो गाइस, डोप लुक आ रही है इस टाइम। एंड गाइस, जब ये सारा मैंने इसको पार्ट को पीसी सब कुछ कर दिया लाइक पेंट हो गया, सब कुछ सूखने को रख दिया। एंड गाइस, उसके बाद मैंने स्टार्ट करा इसको असेंबल करने का, लाइक रीअसेंबल करना था हमारे दोबारा से। सो गाइस, इसको हमने रीअसेंबल करने के लिए स्टार्ट करा मदरबोर्ड से। एंड गाइस, सब कुछ एक बार दोबारा से लगा के मैंने स्टार्ट जब देखा तो ये पीसी नहीं चल रहा था। सो गाइस, मैंने थोड़ा ये क्या हो गया, बट गाइस फिर मैंने थोड़ा बहुत जो वायरिंग थी थोड़ी चेक करी, तो वायरिंग में प्रॉब्लम थी। सो गाइस, उसके बाद जो पीसी ऑन हो गया, एंड गाइस आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास दोबारा से एक और चैलेंजिंग टास्क था, जो कि था इसकी वायर मैनेजमेंट करना। यस गाइस, वायर मैनेजमेंट और केबल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अहम पार्ट है अगर आप एक ऐसा पीसी चाहते हैं एलिगेंट लुक के साथ। सो गाइस, जो था ये पीसी के अंदर इतनी वायर मैनेजमेंट हो नहीं सकती, बिकॉज गाइस जो पीछे की साइड में स्पेस है वो बिल्कुल नील है, और आप यहाँ पे जो इतनी भी केबल्स है राउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, वो वाला बहुत चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए, बट गाइस फिर भी जितनी मैंने मैनेज कर पाया इतने इसके अंदर से पीसी के अंदर से, तो यही थी वो जितनी मैंने वायर मैनेजमेंट करी यहाँ पे, जितनी मैं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो वायर जो थी वहाँ पे राउट हो नहीं सकती थी। सो गाइस, ये मैंने केबल मैनेजमेंट कर दी। उसके बाद हमारी बारी थी दोबारा से पीसी ऑन करने की, कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद सब कुछ ठीक चला। एंड गाइस, उसके बाद लास्ट में अब बारी आई कि हमारे को उसके अंदर करना है एलईडीज को राउट। एंड गाइस, एलईडीज को राउट करना कोई आसान पार्ट नहीं है, बिकॉज गाइस एलईडी की जो स्ट्रिप होती है वो 5 meters की होती है। सो गाइस, 5 meters को पीसी केस में राउट करना इज अ चैलेंजिंग टास्क गाइस। सो गाइस, मैंने स्टार्ट करा इधर से एंड रोटेट करता हुआ
वहाँ पूरा दो बार रोटेट यहाँ से, फिर ऐसे करके मैंने ऐसे ऐसे सारी में पूरी रोटेट करी ताकि जितनी भी हमारी LED है उनकी लाइट जो है हर जगह एक साथ अच्छी लगे। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट आ रही है इस टाइम LEDs की, एंड सिंपली आप LEDs की जितनी भी लाइट्स हैं यहाँ देख सकते हैं, मैं चेंज कर सकता हूँ एंड फ्लैश एंड ऑल दैट। ये देखिए गाइस ऐसे ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे। सो गाइस सिंपली ये जो कंप्यूटर हमारे को टाइम नहीं लगा ज़्यादा, एक दिन के अंदर मैंने फिनिश कर लिया और बहुत आराम से ये फिनिश हो पाया और मैंने इसको चला के देखा बहुत अच्छे चल भी रहा है। सो गाइस अगर अब मैं बात करूँ इसके टेम्पर्ड ग्लास की, जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड में तो टेम्पर्ड ग्लास भी मैंने बनवाया और पहले की साइड जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया था कैसा था इस साइड का, तो हमने ये टेम्पर्ड ग्लास बनवाया था कि जितना भी हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स अंदर के दिख सकें। सो गाइस ये आप जैसे देख सकते हैं हमारे को आराम से दिख पा रहे हैं इसके अंदर। सो गाइस ये जो टेम्पर्ड ग्लास था बहुत अच्छा लग रहा है, एंड सो गाइस ये जो टेम्पर्ड ग्लास है बहुत अच्छा लग रहा है इस पीसी बिल्ड के अंदर। सो गाइस यही थी आज की वीडियो की, आपको मैंने बताया कि कैसे मैंने इस पीसी को इस पीसी में डाला और मैं इसको थोड़े दिन टेस्ट भी करूंगा, इसके अंदर प्रीमियर प्रो चलाऊंगा ऑल दैट, मैं वीडियो एडिटिंग कर लूंगा इसके अंदर, आपको मैं बताऊंगा कि कैन वी एडिट अ वीडियो ऑन अ कोर i3 प्रोसेसर। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं आगे और करूं तो मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। सो एनीवेज गाइस थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग एंड कैच यू गाइस फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल टाइम रेस्ट गाइस। Let's go. Now everybody sing that shit. Sucker, cause they're working for a glare down here, dear God. Got a hostile rapper selling me coke, gotta reach from the truth to their recorders. Got a gospel rapper selling me hope, gotta preach to the youth of the pair of Jordans. Knowing damn well, if you can't afford it, cause poor can't tell what they're supporting. Say, know your master.